नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी उबले आलू की, पनीर की, मैदा की, तलने के लिए तेल की, बारीक घिसे हुए काजू की, बारीक कटी हुई किशमिश की, नमक की और काली मिर्च पाउडर की। हमने कोफ्ते बनाने के लिए आलू और पनीर को घिस लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च, चौथाई चम्मच नमक, मैदा, हमने यहाँ पर 4 छोटी चम्मच मैदा डाली है और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमारा पेस्ट ढीला है, अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा और मिलाएंगे। हमारा आलू और पनीर का पेस्ट तैयार है, अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अब हम आलू और पनीर का पेस्ट थोड़ा सा हाथ में लेंगे इस तरीके से और इसको दबाएंगे और इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से कटे हुए काजू रख करके इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और इसको गोल गोल घुमा लेंगे और उसके बाद इसे हल्का सा लंबा कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसे मैदा में रोल करेंगे और इसे फिर से इस तरीके से रोल करेंगे जिससे इसके ऊपर मैदा अच्छे से कोट हो जाए और इसी तरीके से हम सभी कोफ्ते बना लेंगे। हमने सभी रोल बना लिए हैं, अब हम इन्हें तलेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते तलेंगे। कोफ्तों को हमें मीडियम गैस पर सेकना है। अब हम कोफ्तों को पलटेंगे। हमें एक बार में 3 से 4 ही कोफ्ते सेकने हैं और कोफ्तों को हल्का सेकना है, इनको ज्यादा डार्क नहीं करना। और कोफ्ते कढ़ाई में ना बना के पैन में बनाएं क्योंकि कढ़ाई में ये चिपक जाते हैं। हमारे कोफ्ते सिक चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सभी कोफ्ते तल लेंगे। हमने सभी कोफ्ते तल लिए हैं, अब हम इनके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी टमाटर की, प्याज की, क्रीम की, काजू की जिसे हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दिया है, खरबूजे की मींगों की इसे भी हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दिया है, मक्खन की, बादाम की, लहसुन की, हरी मिर्च और अदरक की, चीनी की, जीरा पाउडर की, गरम मसाले की, धनिए की, कसूरी मेथी की, नमक की, लाल मिर्च पाउडर की और हल्दी की। अब हम मिक्सी के जार में टमाटर, प्याज, काजू, खरबूजे की मींगे, बादाम, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इन सबको डाल करके बारीक पीस लेंगे। हमने सभी चीजों को पीस लिया है, अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हम एक कढ़ाई को गरम करके उसमें मक्खन डालेंगे।
अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया डाल करके इन सबको अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनते समय गैस को हल्का रखें। हमें मसाले को 1 मिनट तक भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डालते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को हमें हल्की गैस पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है। मसाला भूनते समय इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो मसाला कढ़ाई में जल जाएगा। हमें मसाला भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे 2 मिनट ढक करके पकाएंगे। गैस को हमें हल्का ही रखना है। हमें 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें 1/2 कटोरी पानी मिलाएंगे। अगर आपको पतला रखना है ग्रेवी को तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच क्रीम डालते हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, और इसको चलाते रहें। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथ पे रख लें और इसको इस तरीके से रगड़ें और इसमें डाल दें। और ग्रेवी को 2 मिनट और पका लें। हमारी ग्रेवी तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमने 1 प्लेट में कोफ्ते रख लिए हैं, अब हम इसके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे। थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको खाने के समय ही ग्रेवी में डालें। लीजिए, हमारा मलाई कोफ्ता तैयार है। ये आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।